और ज्योतिष आचार्य जी, होलिका दहन आने वाला है, होलिका दहन के दिन किन लोगों को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए जिससे उनके जीवन पर हमेशा नकारात्मक असर पड़ सकता है? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। होलिका दहन जो है वह अधर्म पर धर्म का विजय है। तो होलिका को कभी कभी शुभ भी माना जाता है और कभी किसी अवस्था में अशुभ भी माना जाता है। इसलिए कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि होलिका दहन में सम्मिलित नहीं होना चाहिए या होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। जैसे कि नई नवेली दुल्हन जिसका तुरंत विवाह शादी हुआ है, वे होलिका दहन में सम्मिलित न होवें, न ही उसको देखें। दूसरी है गर्भवती महिलाएं। गर्भवती महिलाओं को होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए और नवजात शिशु जो होते हैं उनको भी लेकर के होलिका दहन के पास न जाएं। और सास बहू, ध्यान रहे, एक साथ सास बहू होलिका दहन के पास प्रथम बार न जाएं। यह जाने से होलिका दहन का दुष्प्रभाव ऐसे व्यक्तियों पर पड़ता है, इसलिए इससे बचना चाहिए, बचने का उम्मीद करना चाहिए और ऐसी गलती कदापि न करें जिससे कि आपके जीवन में दुष्प्रभाव हो।